आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट 23 जून को उपचुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे तो 6 जून को नामांकन करने की अंतिम तारीख है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस, सपा और बीजेपी 4 जून तक लोकसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के बाद प्रत्याशी के नाम की चर्चा हो चुकी है। समाजवादी पार्टी आजम के पसंद का ही प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा या फिर उनकी बहू सिद्रा को उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर अन्य बड़े राजनीतिक दलों से संभावित प्रत्याशियों की बात की जाए तो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सपा से कद्दावर नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनकी बहू सिद्रा अदीब और कांग्रेस से नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां के नामों की है। इसके अलावा बीजेपी से फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा, व्यापारी नेता संदीप अग्रवाल सोनी, बीजेपी के दर्जा मंत्री सूर्य प्रकाश पाल के अलावा बीजेपी नेता आकाश सक्सेना हनी और भारत भूषण गुप्ता भी दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है, लेकिन नवाब काजिम अली खान के नाम से उनके पीआरओ कासिफ खान ने पर्चा खरीद लिया है, जिससे लगता है कांग्रेस नवाब काजिम अली खान को अपना प्रत्याशी बना सकती है। बसपा ने रामपुर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने से इनकार कर दिया है। माना यही जा रहा है कि 4 जून तक बड़े राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। अगर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी इस चुनाव में उतारा तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा।